नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आखिरकार जयंत चौधरी भी जवान नहीं निकले। इन पॉलिटिशियंस की कोई विचारधारा नहीं होती है, इन्हें जहां अपना फायदा दिखता है ये वहीं की ओर निकल लेते हैं। दोस्तों, अब हमने ऐसा क्यों कहा कि जयंत चौधरी भी जवान नहीं निकले, पहले आप ये जान लीजिए। यही जानने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बयान जिसमें जयंत चौधरी अपनी तुलना चवन्नी से करते हैं ये बहुत पुराना है, लेकिन आज ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी बयान को लेकर तो लोग जयंत चौधरी पर तंज कस रहे हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि जयंत चौधरी भी चवन्नी ही निकले। ये बयान जयंत चौधरी के तब का है जब वो बीजेपी के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार ने इनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया तो जयंत चौधरी जी इतने में ही पिघल गए। जयंत चौधरी कहने लगे दिल जीत लिया। साथ ही जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपके बीजेपी के साथ जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसके जवाब में जयंत चौधरी ने कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। साथ ही जयंत चौधरी ने आगे कहा कि आज देश के लिए बड़ा दिन है, मैं भावुक हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं, देश उनका शुक्रिया अदा करता है, प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं, आज किसान और मजदूरों का सम्मान किया जा रहा है, ये करने की क्षमता और किसी सरकार में नहीं रही, मुझे आज मेरे पिता अजीत सिंह की याद आ गई, मैं कितनी सीटें लूंगा इस बात पर ध्यान ना दे, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, मैं अपना कुछ डिलीट नहीं करूंगा, जैसी राजनीतिक परिस्थिति रहती है मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी के लोग काफी ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर है, नाम है सूर्या, ये लिखते हैं जयंत चौधरी ने बीजेपी में जाकर अपने चाहने वालों का दिल तोड़ा है। सच्चा जाट स्वाभिमानी होता है, वो सर कटा देता है लेकिन झुकता नहीं है। इस बार जयंत चौधरी अकेले ही बीजेपी में जाएंगे, उनके चाहने वालों ने उन्हें अलविदा कहना शुरू कर दिया है। पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, मैं कोई चवन्नी हूं कि ऐसे पलट जाऊं, जयंत चौधरी के इस बयान की समय सीमा अब खत्म होती है, हर दावे की एक एक्सपायरी डेट होती है। वैसे भी ये बयान जनवरी 2022 में दिया गया था, अब फरवरी 24 है, पलटने के लिए 25 महीने कम नहीं होते हैं। एक और यूजर है जैकी यादव, ये लिखते हैं जयंत चौधरी जी, आज आपका तो उन्होंने दिल जीत लिया, मगर हमारा दिल उस दिन बहुत दुखा था जिस दिन आप पर सामान्य कार्यकर्ता की तरह लाठी चार्ज हुआ था। हमारा दिल उस दिन बहुत दुखा था जब सैकड़ों किसान एक आंदोलन की भेंट चढ़ गए थे। हमारा दिल उस दिन बहुत दुखा था जिस दिन हमारी पहलवान बेटियां न्याय की भीख मांगती महीनों धरने पर बैठी रही थी। जयंत जी, शायद आपका दिल बहुत नाजुक है इसलिए जल्दी परिवर्तित हो जाता है, मगर हमारा और हमारे सभी भाइयों का दिल आज भी उतना ही दुखता है। दोस्तों, जिस जयंत चौधरी पर लोगों को इतना भरोसा था, आज वही जयंत चौधरी नीतीश कुमार की तरह पलटू राम कहलाए जा रहे हैं। चलिए, अब आप हमें कमेंट पर बताइए कि आप जयंत चौधरी को लेकर क्या सोच रहे हैं, और साथ ही हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते ये वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।